अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? ब्लाइंड्स को खोलें। बस अनम का जी आज है जिम्नास्टिक का क्लब, जो बच्चों के स्कूल में होते हैं ना, फ्री वाले क्लब करवाया करो, बच्चों को बड़ा अच्छा रहता है। तो मैं बस छोड़ने जा रही हूँ पहले अनम को। यहाँ पे देखें 7:50 हो गए हैं, और अब्दुल्ला देखो आ रहा नीचे। अब्दुल्ला चंपल नहीं पहना हुआ, यूनिफॉर्म तो पूरा पहनो। डाल दिया फूड फिश को? गुड गर्ल। अनम जी यहाँ पे डाल रही है फिश को फूड, इसकी ड्यूटी होती है। चलो जी जाके देखें गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं। कल तो हो गई थी पर लेटर ऑन हुई थी। आए नाल देंगे, देखो जरा बाहर। तो चलें जी। वाह क्या क्लाउड है माशाल्लाह। तो चलो आज इन्हों देखिए स्टार्ट करके। ओए होए आज भी इसकी हालत ख़राब है, इन्हें लादा जी आज भी स्टार्ट ना। तो अनम को तो मुझे पैदल लेके भागना पड़ना है, क्योंकि उसका 8:00 जो है ना उसका क्लब स्टार्ट हो जाना है। तो चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह देखते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शुक्र है शुक्र है शुक्र है शुक्र है अल्लाह पाक, स्टार्ट हो गई। तो चलो स्क्रीन नू करिए जाकर, बहुत कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो स्क्रीपर का है। तो ये देखें जी गाड़ी का दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा। अरे हाय खुल जा, नहीं खुल रहा जी। बस गाड़ी की हालत देखे ना कितनी, मैं कहती हूँ खस्ता हो गई है। चलो ये वाला खुलता है, उधर का नहीं खुल रहा। मेरे हाथ टूट गए ना इनू साफ करके। अब मैं रात को डालूंगी इसके ऊपर कपड़ा। मैंने थोड़ी पता सी कि आज भी मौसम ऐसा ही। ओए होए होए ठहर गए हैं हाथ। हाँ तो गाड़ी मेरी जो है ना वो माशाल्लाह स्टार्ट हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए हुए थे, बैटरी को कुछ नहीं था हुआ, बस ठंड की वजह से नहीं थी स्टार्ट हो रही। ये देखें ज़बरदस्त सूरज निकला हुआ है। हम पहुँच गए घर। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। चलो अब्दुल्ला कर रहा है नाश्ता, इसके बाद अब छोड़ने जाऊँगी अब्दुल्ला को। तो अभी अब्दुल्ला के स्कूल जाने में टाइम है। मैंने घर आके सबसे पहले जी मैंने कहा कि मैं ग्रीन टी पीऊँ, क्योंकि बड़ी ठंड जे तो जो है ना हीटिंग घर के अंदर भी ऑन हुई होती है, लेकिन स्टिल जो है ना मैं कहती हूँ कि कुछ ना पूछो। तो सुबह सुबह खाली पेट जो है सबसे पहले मैं पीऊँगी जी ये ग्रीन टी, क्योंकि इसकी वजह से जो है ना मेरा वेट बिल्कुल मेनटेन रहता है, बिल्कुल ज़बरदस्त रहता है। जो मर्ज़ी खाऊँ पीऊँ मुझे कोई टेंशन नहीं होती। बस ये कि सर्दियों में ना मैं ग्रीन टी दिन में 2 दफ़ा ये पी लेती हूँ, रात को भी सोने से पहले जो है कहवा पी लेती हूँ, तो माशाल्लाह ठीक रहता है। बाकी सारा दिन जो है नॉर्मल पानी आप पिए तो वेट जो है वो आपका खुद ही कम हो जाता है। मैंने कोई जो है ना डाइट शाइट नहीं की, ठीक है। अब्दुल्ला आज क्या बनाऊँ, क्या खाना है आज घर आके? आलू मेथी। अरे माश तेज है। चलो ठीक है आज मामा आलू मेथी बनाएगी इंशाल्लाह, साथ में ना मैं दाल माश भी बनाऊंगी, ठीक है। चलो रख दो किचन में। अब लंच अब्दुल्ला लंच क्या लेके जाना है? मैं अच्छा हो डिनर हो। चलो ठीक है स्कूल से करेगा जी लंच, स्कूल से। चलो जी आ जाओ अब्दुल्ला। चलो अब्दुल्ला गाड़ी में, गाड़ी मैंने खोल दिया बेटे। ये देखें यहाँ पे सारी रबिश निकाल के रखी हुई है, आएंगे ले जाएंगे। देखो सूरज माशाल्लाह इधर से आ रही कहीं से चिड़ियों की आवाज़। चलो जी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं बस। हाँ जैनब का भी स्कूल तकरीबन 11:30 उसका स्टार्ट होना है, फिर उसको छोड़ने जाऊंगी। आज और भी बड़े काम है। तो चलो ओ नहीं नहीं इट्स ओके कम 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 इनसाइड, ठंड है, आजो आजो आजो। तो मुझे किसने कहा था आपने घर की हीटिंग नहीं ऑन की होती है आपके घर में? जो की इलीगल है सेकंड में। नहीं रेस्ट होंगी तेरी बेबी, नहीं रेस्ट होंगी मम्मा। वो अभी हो जाना बेटे, अभी हो जाना। अच्छा इलीगल होता है जी भाई, इधर बच्चियां ने भी पता चल इलीगल की तो इलीगल की। चार को ने टेक्स्ट था ओके। चलो ये लो वो ना उसको करो आप नीचे,
तो पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ सेंट्रल हीटिंग का किसी ने पूछा हुआ था कि आपके घर में सेंट्रल हीटिंग नहीं है। सेंट्रल हीटिंग यूज़ करना है? ओ नहीं वो तो पीछे है सच बूट में, इसे कर दो। हाँ तो गल फिर मैंने भूल गई। हाँ सच सेंट्रल हीटिंग की बात थी, तो वो है जी घर में, तो यहाँ पे दो दिन से -6 हो रहा है, तो सेंट्रल हीटिंग बेचारी की करेगी, तो ठंड तो फिर लगती है ना, और हीटिंग इतनी भी नहीं ऑन करते कि पाम बड़ी बाल जाए। तो अब्दुल्ला को भी छोड़ दिया स्कूल जी, अब मैं जा रही हूँ घर। पीछे बड़ी इधर लाइन लगी जे ट्रैफिक दी, क्योंकि यहाँ पे ना ट्रैफिक लाइट्स हैं, तो इसलिए तो बड़ी ठंड है आज भी मेरे ते, कान भी ठंडे ते मेरा नक भी जड़ा ना इंजे जंज किसी ने फ्रीज कर छड़े है, और हाथ नहीं लग रहा कानों को और नाक को इतनी ठंड है। तो चलो फिर चलिए कार और जाके देखो जैनब रेडी है, तो उसको भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि आफ्टरनून में मैंने होना है बड़ा बिजी, मेरे काम है काफी। तो चलें फिर मिलते हैं आपको बाद में। और सुबह सुबह का टाइम है जी, आज तो मैं कह रही हूँ बस कुछ ना पूछो, अभी मैं तैयार नहीं हुई, कोई मेकअप शेकअप नहीं किया हुआ, तो ये ना मेरा अपना ही नेचुरल स्किन कलर है नक बहुत ही लाल हो गया ठंड के नाल। तो चलो चलते हैं घर, जाके थोड़ा जरा अपना हुलिया सीधा करिए, तैयार श्यार होइए, फिर बाकी के दिन के काम शाम किए जाएंगे इंशाल्लाह। चलो भाई मैंने भी कोई गड्डी कटन देगा आज कि नहीं, लो इसने तो वो ब्लॉक कर दिया है गड्डी मेरी दे पीछे गड्डी, हूँ मैं कट नहीं सकती भाई, कमाल है। चलो जाना आप चलो निकलो, आपको छोड़ के आऊं इसके अंदर लेके जाऊं किसकी किसकी गाड़ी, ये तो इनके साथ वाला। हाँ तो नंबर प्लेट भी तो होनी है ना। चलो बैठो जनाब, हमने डोर बंद किया पता नहीं, अब धूप इतनी है ना कि नजर नहीं आ रहा आंखों के अंदर। जनाब पीछे करो मैं ना आज सुबह आ गया आपका मुंह उसके अंदर, आपका फेस उसके अंदर। आई आई तू पीछे कर अपनी, रहन दे तू, हाथ तेरा अल्लाह भला करे। ज्यादा बंद कर मैं भी ना, ये ऐसे तंग करती है, तंग नहीं करती है इन्नू, मैं छड़न जाना है कॉलेज, ते देख ले कैसे मुझे पा रही है। मैं ग्रीन जंपर, उन्होंने तेन पूछा तू केड़ा जंपर पाया, ग्रीन फोन और मेरी ग्रीन आंख, मेरी दूसरी वाली आंख रेड ब्राउन है, दूसरी वाली काली है नहीं है, तो शायद तेरी आंखें रंग और ने यू नो मामा लोगों के पास हैं डिफरेंट कलर आईज, वो इतने नाइस होते हैं जिनके पास एक ब्राउन और एक ग्रीन होती है। तो आंखें खुल रही सामने, धूप इतनी पड़ रही है। गाइस अब हम मैकडोनल्ड जा रहे हैं मिल्क शेक लेने के लिए। आहो मैकडोनल्ड बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब। नो मामा स्कूल छोड़ने जाऊंगी, मैंने कहीं नहीं जाना। आप ना मेरे लोगों का सत्यानाश कर दे। नहीं मामा अब लोगों ने कहना है कि नहीं, अब आप अपना टाइटल लिखना आज का व्लॉग विद ज़ैनब ज़ाई से। हाँ विद ज़ैनब ज़ैनब सत्यानाश के ना किया करो, ऐसे बुरी बात है पता है, नजर लग जानी है। फिर मुझे कह रही हो लगा देना ऐसे ही, लगा देना ऐसे ही। नहीं नजर मैं लगाऊंगी, नजर कैसे लगती है, जीजस सिट डाउन यू लाइक इसके ऊपर नजर लगाओ, इसके ऊपर नजर लगाओ। नहीं इंज नहीं होता, देखते हैं ना कोई देखता है किस अंदाज से किस सोच से कोई किसी को देख रहा है, खुश होके देख रहा है या कोई किसी को जेलस होके देख रहा है, या कोई कह रहा है अच्छा इहदे कोल इन्ना है मेरे कोल नहीं है, ऐ एडा सोना ते मैनू अल्लाह ने एडा सोना बनाया, फिर वो नजर लग जाती है। गाइस एवरीवन बहुत ब्यूटीफुल इन देयर ओन वेज। हां केदा घर एडा सोना, मेरा घर नहीं सोना, खुश होना चाहिए हमेशा दूसरों को देख के, जो खुश होते हैं ना फिर अल्लाह पाक उनको और नवाजते हैं। अल्लाह पाक कहते हैं कि ये मेरे दिए हुए जिनको मतलब अल्लाह पाक ने सबको दिया ना, कि मैंने अगर किसी को इतना नवाजा है किसी को इतना दिया है तो ये उसको देख के खुश हो रहे हैं, तो अल्लाह पाक ना खुश होने वालों को देता है, जो सड़ते मरते कुड़ते ना उन्ना नहीं अल्लाह पाक ने कुछ देना। बहुत अजब कहन के जिस दिन निकाल दूं गाड़ी में से ना धूप भी निकल आती है, ऐन का ना मैं गड्डी नू ला देनी अगर गाड़ी का गाना आपको बड़ा पसंद है।
मेरा दिल करता है ये गाना हो, इधर भी समुंदर हो, इधर भी समुंदर में पापा के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाऊं मेरे निके निके चल। जैनब को स्कूल छोड़ के आई तो मुझे बाहर से आवाज आई, पहले तो मैं डर गई, मैं क्या हाय पता नहीं की हो रहा है बाहर। तो देखा तो ये इतना बड़ा कोई इसका मुंह था मशीन का, एंज मुंह खोल के थू है मुंह खोल के उत्तों आंधी सी नीचे आगे इसका मुंह बंद हो जाता था, तो यहाँ से उठाती थी इतना ज़रा सामान और फिर जाके उसके अंदर सुटती थी। मैं क्या देखो है, अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिया तो इंसान ने उस दिमाग का कैसे कैसे इस्तेमाल किया, क्या चीज़ बनाई है ना, कितना काम इजी हो जाता है, मैं कहती हूँ कमाल है। तो देखा आपने बाहर क्या हो रहा है, और मैं यहाँ पे भिगोऊंगी थोड़ी सी दाल माश, थोड़ी सी आज बनाऊंगी, ये ना बहुत ज़्यादा बन जाती फिर बची रहती है। और देखूंगी जाऊंगी बाहर, मेथी मिल गई तो आलू मेथी बनानी है, अब्दुल्ला ने सुबह फरमाइश की है, ये दाल उसको बड़ी पसंद है मसाले वाली और साथ में आलू मेथी, तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगी आज ये बना के दूँ उसको। और आलू मेथी तो मुझे खुद भी बड़ी पसंद है चौपड़ी रोटी के साथ। तो ये भीग गई जी दाल, तो लें जी आज होने लगे हैं वसीम साहब के कपड़े इस्त्री, हमने जाना है ज़रा बाहर। तो जिहड़ा काम वैसे मैं नहीं ना वहाँदी वह आ के पुछते हो आप ये नहीं करती हैं, तो कपड़े कभी मैं वहाए नहीं कि मैं कपड़े भी इस्त्री कर दी हाँ, तो अज मैं क्या चलो मैं भी बनावा। तुसी देखो कहीं ना जी ना सारे काम करती हैं, किसी काम की छुट्टी नहीं होती है ना, असी अपने आप को छुट्टी देंदे भी नहीं, हम जब भी बैठे हो ना तो हम सोचते हैं कि उठ के बंदा ना कोई काम कर ले, तो कोई ना कोई काम ना मैं तो ढूंढ लेती हूँ, मैं आराम से बैठ ही नहीं सकती। जैसे अब मैं स्कूल के बाहर बैठ के तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, बच्चों का छुट्टी का टाइम होने वाला है। और वसीम हम ज़रा जा रहे हैं काम से बाहर, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आप सबसे वापस आके। दाल को जो है मैंने बॉयल करके तो उसका पानी गिरा के उसको रख दिया, वापस आके इंशाल्लाह बनाऊंगी, ठीक है। टाइम देख रहे ने कहने पर जल्दी कर, तो चले जी जा रहे हैं हम दोनों तो फिर मिलते हैं आके। तो बस जी अब मैं और वसीम ज़रा हम निकले हैं, एक ज़रूरी काम है, तो दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ करें, उस चीज़ को हमारे हक में बेहतर करें। तो फिर मिलते हैं आपसे आकर तो मैंने बनाना है खाना शाना, फिर बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम हो जाना है, तो बस निकल गया आगे दावी देने। हम आए हैं जी बाजी को पिक करने, बाजी आ रही हैं, वो देखें आई निकल के ये देखो मेरी बाजी का घर, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आजो 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 ऐसा आई हूँ, मेथी ले ली है, ये देखें कितनी ज़बरदस्त मेथी माशाल्लाह, अब्दुल्ला आज माशाल्लाह खुश हो जाएगा, देखो कितनी ज़बरदस्त मेथी जी। लाइला लगा हुआ है जी, 12 का था अब 10 का लगा हुआ है, 5 kg लाइला बासमती राइस, खुद भी खाएं दूसरों को भी खिलाएं, कल्ले ना खाएं। बस आज हम गए थे एक ज़रूरी काम, तो बाद में करूँगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर, देखती हूँ अभी क्या बनता है। तो आके फिर वसीम के लिए यहाँ पे मैंने बनाया पराठा और तवे पे मैंने बनाया ऑमलेट। तो मैंने किसी ने कहा जी तवा बड़ा गंदा है गर्म हो तो छुरी नाल साफ़ करो, भाई मेरे हाथों में इतनी हिम्मत नहीं है, तो मैं उसको स्पंज से साफ़ कर लेती हूँ, तो माशाल्लाह हमारी रोटियाँ भी साफ़ सुथरी बनती हैं, तो देखें ऑमलेट भी जो है ना वो साफ़ सुथरा बना है। तो मेरे अंदर जितनी हिम्मत है ना मैं उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकती, मैं अपने आप को तकलीफ़ नहीं दे सकती, तो मैं कूची मार मार के ना छुरियाँ के नाल रगड़ रगड़ के तवे को साफ़ नहीं कर सकती। तो ये देखें ये बन गया था वसीम का नमक मिर्च वाला ऑमलेट, बड़ा मज़े का बना था माशाल्लाह। और ये देखें मेथी, अब इसको साफ़ करूँगी, फिर इसको भी मैंने बनाना है और अभी बच्चों को भी लेने जाना है। हाँ जा रही बच्चों को लेने, तो मैंने हाँ मैं लेट हो जाऊंगी वसीम, मैं आके वीडियो बना लूंगी। हाँ अच्छा बताओ बताओ जी इन्होंने क्या वीडियो बनाया। मैंने जरूरी बात करनी है हिना से, उसको ये मैंने बताना है कि ताले चाबी के बगैर नहीं खुलते। मैं तो अभी गाड़ी के पास आके खड़ी हुई हूँ, तो मुझे कहते कैमरा ऑन कर, मैं खेल लो पड़ो ये हाल है जी देख लें, ये हालत होती है मेरी, शुक्र है कि वसीम कार सन, वरना मैं दरवाज़ा बंद करके आती ना तो
तो मैं आज यहीं पे बैठी रहती क्योंकि मैं तो चाबियां अंदर पुलानियां सन। तो ये देख लें जी, अगर मैं दरवाजा बंद करके आ जाती ना तो मैं तो फिर बैठी रहती यहीं पे, तो बच्चे बेचारे का की बनना सी। ये तो शुक्र है वसीम अभी डायलिसिस पे गए नहीं, अभी घर ही है, तो उन्होंने मुझे आवाज दी कहते कैमरा ऑन करो कैमरा ऑन करो, मैं क्या पता नहीं आप लोगों के लिए कुछ कहना है, तो चाबियां मेरिया ले आ गई थी वो आप लोगों ने देख ही लिया, तो बस क्या करूं ऐसे ही मत बजी होती है किसी टाइम। ये देखें जी मैंने बनाई है दाल माश, और ये मैंने बनाई थी जाके इंस्टा की लाइव पे, और यहाँ पे है जी आलू मेथी है, देखो जबरदस्त आलू मेथी बटर शटर डाल के बनी है, और उसके बाद अभी यहाँ का आप देखें खाना ऐवी नहीं पकता, ये सब भी आते हैं खाने के साथ, तो अब इनकी भी खातर मदारत होने लगी है देखो फिर उन। तो जो आपके इर्द गिर्द आपके खानदान में जो आपके घर में जो आपकी खिदमत करती हैं खाना शाना पकाती हैं तो उनको अप्रिशिएट किया करें। देखें अभी ये मैंने चूल्हा भी साफ़ करना है, ज़रा हांडियाँ थोड़ी ठंडी हो जाए, चूल्हे की प्लेटें ठंडी हो जाए, फिर उसको भी साफ़ करूँगी, और ये भी सारे धोने हैं, तो रिस्पेक्ट किया करें ठीक है सबकी जो खाना पका के देती हैं। ये देखें जी ये सारा पंडार धोया है हाथों से, और ये लगाए डिश वॉशर में, अब इसकी हो रही है सफाई, ये देखें काम नहीं खत्म होते, अगर आप कहे ना काम खत्म ना बंदा मुक जाता है, काम दुनिया तो है ना उत्थे ही होंगे जी, वो चलते रहते हैं और ख़त्म नहीं होते, रोज़ सुबह नाश्ता रोज़ दोपहरी हांडी तो रोज़ रात का खाना, यही टेंशन रहती है सुबह उठ के नाश्ता क्या करना है दोपहर को क्या पकाना है, दोपहर का खा लवो पका ही लवो तो फिर राती की खाना, तो मैं कहती हूँ बस मैं कहती हूँ मसला ही सारा रोटी का जे, बस रोटी ने ही मसला पैदा किया अज। तो चलें जी ये ले हो गया यहाँ से साफ जितना मैं कर सकती थी, मेरे अपने हाथों में आज फिर दर्द शुरू हुई है। तो ये ले चूल्हे को साफ करके टाइलें साफ करके हांडियां हमने यहाँ सजा दी हैं, अब जब जिसने रोटी खानी होगी फिर उसको रोटी मिल जाएगी। हाय ढक्कन के ऊपर सालन डल गया कि क्या है उसको, चलो खैर है कोई नहीं बाद में होगा साफ, मैंने नहीं करना। और बस बच्चों को खाना शाना दे दिया था, बच्चे चले गए हुए हैं सोने के लिए, वसीम आए थे अभी डायलिसिस से, उनके लिए यहाँ पर फिर मैंने बनाई रोटियाँ, और जो है आलू मेथी के साथ उन्होंने खाया था खाना, पर आलू नहीं खाए मेथी के साथ ही उन्होंने खाया था, आलू खा सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बिल्कुल थोड़े से। और वसीम इधर ही किचन में नमाज़ पढ़ रहे थे और मैं बस लगी हुई थी रोटियां बनाने, और मैंने अपने लिए एग बॉईल किए, इतनी ठंड कल भी इतनी ठंड थी आज भी, तो जैसे पाकिस्तान में ना सर्दियों में हम रात को एग बॉयल करने सोने से पहले सब बहन भाइयों ने अंडे खाने बड़ा मज़ा आता था, तो मैंने कहा चलें आज बनाओ। वसीम को माशाल्लाह बड़ी भूख लगी हुई थी तो रोटी जो है गई जी सीधी वसीम साहब की प्लेट में, तो अब वो डालेंगे सालन, देखो फिर नहीं नहीं। और बस जी फिर अब्दुल्ला भी आ गया नीचे, उसको आवाज़ आई तो कहता है कि मामा मुझे फिर भूख लगी है, खाना बड़ा मज़े का था, मैंने बड़ी अर्ली खा लिया, तो वाकई उस बेचारे को भूख लगी हुई थी, रोटी देखो माशाल्लाह कितनी फूली होती। वसीम साहब कैसा फिर आज का खाना? माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मतलब ये क्योंकि ये उस तरह का सालन नहीं है, ड्राई ड्राई सा ना, और बड़ा फीका हल्का सा बनाया आपने, तो माशाल्लाह वो खाया जा रहा है इस तरह, वो ना हैवी नहीं होती तबीयत खा के। माशाल्लाह माशाल्लाह वसीम साहब जी आए अभी डायलिसिस से आके, उन्होंने नमाज वगैरह पढ़ी है, ये देखें 10-20 हो चुके हैं, तो आलू मेथी खा रहे हैं। अच्छा फिर मेरे कितने नंबर हैं ये पास के फिर? ये 10 में से 100। अरे वाह बंदा है तो ऐसा जो बुड्ढी रु पुट्ठे नंबर देता है। नहीं ना आपको अब समझ लग गई ना, आप बहुत वो मायने रखा आपने। हाँ। और मतलब ड्राई ड्राई सा है तो मैं खा पा रहा हूँ, शोरबे वगैरह वाले वो मेरे से नहीं खाए जाते। जैसे वो आपने आलू अंडे की बनाई थी। हाँ, हाँ, वो आपने ड्राई रखी थी तो हाँ। वो भी उस दिन भी मैं सही खाना खाया था। चलें खाएं तो शुक्र अल्लाह का, आपकी प्लेट में से एक बुर्की मैं भी लूंगी। मशाला थोड़ी सारी ना खा लवा पीती हूँ लाओ फिर नहीं मतलब अच्छी है खाने के लिए, मुझे अच्छा लगता है वसीम की प्लेट में ठूंगे मारना। वाह
शाबाश, अपने आप को शाबाश देने पे देती है माशाल्लाह। हम उधर सोल्जर पेपर जाते होते थे ना, हमारी फेवरेट प्लेस थी। दोस्तों के साथ भी तो शादी हुई, तो हिना के साथ भी फेवरेट प्लेस, और भी बड़े हमने ट्राई किए, लेकिन आज उधर पे काफी गए हैं। तो वो वहां पे भी ना आनी, तो पहले मेरा चखना, बाद में अपना खाना, जो ठीक है। ये चखाए पहले, मुझे चखाए। चखती होती थी ना मजे का, कौन सा मैं खाऊं, मैं सालन और ला के दूं सिम। ब्लाइंड्स करेंगे नीचे क्योंकि अब है सोने का टाइम, और यहाँ सोने से पहले मैं एक टी बनाऊंगी। ये ना बच्चों के चाचू लेके आए थे, तो ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है स्लीप, सोने से पहले अगर आप ये पी लेना तो बड़ी मज़े की नींद आती है। ये आपको किसी भी सुपर स्टोर से मिल जाएगी, एसडा से, टेस्को से, सेंसबरी से। तो बस इसको आपने निकालना है और ये जो है कप में डालना, ऊपर से सड़ता बलता उबलता गर्म पानी डालें। और जो इसका लेबल है ना, ये जो टी बैग है, देखें उसके ऊपर क्या लिखा होगा, अभी मैं दिखाती हूँ। ये देखें, इसको 3 मिनट के लिए ना आपने इसके अंदर ऐसे ही रहने देना, फिर इसका सही असर निकलेगा। और साथ यहाँ मैं थोड़ा सा हनी ऐड करूँगी, क्योंकि हनी के बगैर ना मेरे से कोई भी कावा या कोई भी ग्रीन टी, शीन टी जो है ना, वो मैं नहीं पी सकती। तो चलो जी, चाह चुकाएंगे तो चलते हैं अब सोने के लिए। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। देखिए सारी सफाई सफुई करके जा रही हूँ ताकि सुबह किचन फर्स्ट क्लास मिले। तो दुआओं में याद रखें, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।